बख्शी सर, आपकी अंडरस्टैंडिंग इसको लेकर, क्योंकि यहाँ सवाल F-16 और F-16 को लेकर क्रैश होने के बाद अमेरिका पर भी उठे सवाल को लेकर, एक क्विक रिस्पॉन्स बख्शी सर। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि F-16 जो कि फाइटर जेट है अमेरिका का, बड़ा कॉम्प्लेक्स जहाज है, बहुत मेंटेनेंस चाहिए, वो क्रैश हो चुका है यूक्रेन में। वो कह रहे हैं मेंटेनेंस के कारण कि UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है, भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। प्रॉब्लम के कारण वो क्रैश हुआ है, मैकेनिकल प्रॉब्लम्स के कारण क्रैश हुआ है। थ्योरीज बहुत घूम रही है, यूक्रेन की एयरफोर्स के चीफ को सैक कर दिया है ज़ेलेंस्की ने कि ये जहाज गिरा। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स जहाज है, यूक्रेन पायलट्स को ज़्यादातर रूसी फाइटर्स के ऊपर एक्सपीरियंस है, इसको उड़ाने के लिए उनको बहुत ट्रेनिंग चाहिए, जो अभी मैं नहीं समझता पूरी हुई है। मेंटेनेंस के लिए चाहिए, एक विचार था कि साहब यूक्रेन पायलट नहीं उड़ा पाएंगे, अमरीकी पायलट्स यूक्रेन की यूनिफॉर्म में इसको ऑपरेट करें और इसको वहाँ बेसिस पे भी वही मेंटेन करें जी। अगर मेंटेनेंस ठीक नहीं होगी तो ये बगैर किसी और हरकत के ये जहाज वहाँ पे क्रैश होते रहेंगे। अमेरिका सीधे अपने बंदों को नहीं मरवाना चाहता, क्योंकि ये जो है ये टारगेट खास करेंगे अमरीकी मेंटेनेंस क्रूज को और इन जहाज़ों को, रूस ने तो ये साफ कर दिया है। तो ये कहना कि ये बड़े टर्निंग पॉइंट बन जाएंगे इस वॉर में, पहले हमें बोला था कि साहब जो कि एंटी टैंक टो मिसाइल्स हैं वो टर्निंग पॉइंट बना देंगे, सिल्वर बुलेट बन जाएंगे, फिर हाईमार्स बोला, फिर एटैकम्स बोला, कोई एक हथियार सिस्टम इस लड़ाई का पासा पलट नहीं सकता। मेरे विचार में ये 4.5 जनरेशन फाइटर है, जबकि फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स आ चुके हैं रूस के पास है, और F-16 कोई ऐसी काया पलट नहीं कर सकते वहाँ पे। ठीक है, जहाँ तक सवाल है आपने उठाया था, मुझे मैं जरा आधा मिनट और दीजिए, मैं कहना ये चाहता हूँ कि रूस के ऊपर काफ़ी देर से, कोई 1.5-2 महीने से लगातार यूक्रेन अपने ड्रोन से वार कर रहा है, ताकि वो बदला ले सके किसी किस्म से, या बदला लेते हुए दिखाई दे। लेकिन ये कहना मिलिट्री के व्यू पॉइंट से कि इससे रूस तबाह हो रहा है, रूस मैदान छोड़ देगा, रूस हार जाएगा, ये महज एग्जैजरेशन है। रूस इसको संभालने में सक्षम है, 70-80% शूट डाउन हो जाते हैं ड्रोन्स, और जो कुछ जो फटते हैं उनका एक्सप्लोजिव इतना नहीं है कि वो मिलिट्री तौर से भीषण डैमेज कर सके। वो ऑप्टिकल डैमेज करते हैं जो मीडिया में बड़ा अच्छा लगता है, काफी दहला देने रीजन की जो तस्वीरें आती हैं उसके हाथ से आपसे हम ओवरऑल सिनेरियो को, ग्राउंड रियलिटी को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दावे यहां पर किए जाते हैं कि किस तरीके से अब डोनेस्क में यूक्रेन ने विध्वंसक पलटवार किया है और रूसी सेना पर ड्रोन से विनाशक हमला हुआ है। आपको बता दें नोवोस्लुवस्का में खाक रूसी आर्मर्ड व्हीकल की ये तस्वीर सामने आई है, जहां हमले में कई सैनिकों की मौत का भी किया जा रहा दावा, और यूक्रेनी सेना ने ये वीडियो जारी किया है। और यूक्रेन के कब्जे में रूस के साथ टैंक, खबर है यूक्रेनी सेना के कब्जे में रूस के T-90M टैंक को लेकर, जहां 4 T-80 BVM और 2 T-72 टैंक भी कैप्चर हुए हैं, और कुर्स्क में यूक्रेनी पैरा ट्रूपर्स ने रूसी टैंक को छीना है। आपको बता दें यूक्रेनी सेना ने इसको लेकर बड़ा दावा किया। और कुर्स्क में रूस के एक और पुल को तबाह करने को लेकर भी खबर है, जहां सही नदी पर बना पुल तबाह हो चुका है और यूक्रेनी हमले में नष्ट हुआ पंटून ब्रिज। आपको बता दें हाइमार्स GMLRS से यह विध्वंसक हमला किया गया है, दक्षिण की तरफ रूसी सेना की सप्लाई लाइन को काट दिया गया। और कुर्स्क में फ्रंट फुट पर यूक्रेन, क्योंकि रूस के कुर्स्क में ही लगातार आगे बढ़ रही यूक्रेनी सेना को लेकर दावे किए जा रहे हैं। वहीं कुर्स्क में रूस का एक और पुल तबाह कर दिया गया है और दक्षिण की तरफ रूसी सेना की सप्लाई लाइन को भी काटा गया है। आपको बता दें यूक्रेनी सैनिकों के कब्जे में रूस के 7 टैंक बताए जा रहे हैं। कुर्स्क के
1263 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जे का दावा किया जा रहा है। वहीं 27 दिनों से जारी कुर्स्क में भीषण जंग को लेकर खबरें आ रही हैं, जहां यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय कब्जे को लेकर भी बड़े दावे कर रहा है। शरदेंदु सर, अब दायरा अगर कुर्स्क का ही बढ़ता जा रहा है तो ये भी तो ये साफ हो गया ना कि किस तरीके से कुर्स्क में कहीं ना कहीं यूक्रेन बार बार यही प्रोजेक्ट कर रहा है कि वो पूरी तरीके से ओवरपावर कर चुका है। देखिए, कुर्स्क का जो इलाका रशिया ने खोया है वो उसके लिए साख का मैटर है। रशिया जैसा बड़ा कंट्री और कुर्स्क में 1300 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया यूक्रेन से हार जाए, उसके लिए थोड़े उसकी साख पे बट्टा लगता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आज की डेट में रशियन आर्मी ईस्टर्न फ्लैंक पे डिसीजन सीक कर रही है और उसमें उसने 161,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कैप्चर कर रखा है, जो कि तकरीबन 27% है यूक्रेन का क्षेत्रफल का। तो काफी बड़ी संख्या में रशियन ने वहां विक्ट्री हासिल की हुई है और साथ में जपोरिजिया पावर प्लांट उनके पूरे तरीके से कब्जे में है और उनका एक लिंक एस्टैब्लिश किया है उन्होंने अपना क्रीमिया के साथ। और अगर ओडेसा पे भी वो हमले करके उस पोर्ट सिटी को कैप्चर कर लेते हैं तो यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ी हार होगी, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। आज की डेट में यूक्रेन ने पिछले 15 से 20 दिनों में रूस को बहुत क्षति पहुंचाई है। एक तो उसकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा है, तमाम आपके हिंटरलैंड के सिटीज को उन्होंने टारगेट किया है। ड्रोन को से लड़ने की एक नया वॉरफेयर है, ये लो कॉस्ट ऑप्शन है लेकिन डैमेज करता है। आप भले ही 70% ड्रोन को गिरा लें, एयर डिफेंस सिस्टम से आप उसको बीट कर दें, लेकिन जो ड्रोन गिरते हैं वो तबाही मचाते हैं, उनसे भी जाने जाती हैं। अगर पावर प्लांट में गिरता है तो एक्सप्लोशन होता है, लिहाजा आपका कोई इलाका सुरक्षित नहीं है। इसको रूस को समझना पड़ेगा और अपने एयर डिफेंस सिस्टम को पुख्ता करना पड़ेगा। इलाका इतना बड़ा है, आप कहां कहां एयर डिफेंस सिस्टम लगाएंगे? 24 घंटे आप किसी सिस्टम को ऑपरेशनल मोड में नहीं रख सकते। लिहाजा ये सारे चैलेंजेस हैं रशियन आर्मी के। और रशियन आर्मी में जिस तरीके की कैजुअल्टी हुई है पिछले 2.5 साल में, कांकड़ा कहता है कि 66,000 सैनिक शहीद हुए हैं वहां पे, उन्होंने लड़ाई में अपनी जान दी, तो इसकी कैसे भरपाई होगी? तमाम तरीके के आपने रिक्रूटमेंट करके देख लिए, आपने वैगनर फोर्सेस यूज कर लिए, आपने चेचनियन लड़ाके यूज कर लिए, लेकिन ग्राउंड पे आपको हमेशा ट्रूप्स की जरूरत पड़ रही है। आपके हथियार काम पड़ रहे हैं, अटैक काउंटर अटैक, क्योंकि एक और खबर ले रही हूं, दोबारा बता दूं, खार्किव में थोड़ी देर पहले ही एक बड़े हमले को अंजाम दिया गया है, जहां रूसी मिसाइल हमलों से पहले खार्किव को लेकर खबर आई है कि रूस ने मॉस्को हमले का विध्वंसक बदला लिया है और हमले में तबाह हुई इमारतों की तस्वीरें भी लगातार आ रही है सामने, जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है, कई घायल बताए जा रहे हैं। तो अभी अब से थोड़ी देर पहले ही खार्किव में बड़े हमले को अंजाम दिया गया है और ये देखिए तस्वीर, जहां इमारतों में लगी आग और उसके नजदीक खड़ी गाड़ियां भी किस तरीके से आग की चपेट में नजर आ रही हैं। आपको बता दें, अब खबर ये सामने आ रही है कि रूस ने मॉस्को हमले का ये बदला लिया है और कई इमारतों को सीधे टारगेट किया गया है। 3 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर खार्किव से।